ओके सो क्या हाल चाल है। सो आ चुका हूँ फिर से इंस्टाग्राम रील्स वायरल वीडियो एडिटिंग को लेके। तो आज की इस वीडियो में ना इस टाइप का वीडियो एडिट करके दिखाने वाला हूँ जो कि अभी के टाइम इंस्टाग्राम रील्स पे आग लगा के रखा है। तो कैसे आपको इस सॉन्ग पे इस टाइप का वीडियो बनाना है एकदम डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। बस यहाँ पे आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। वीडियो पे एक नजर डालते हैं, वीडियो को आप देख सकते हो, वीडियो जो कि नाइट में शूट किया गया है, ठीक है। तो जब आप वीडियो शूट करना नाइट में शूट करना एंड गाइस ऊपर में ना बल्ब वगैरह रहना चाहिए, ठीक है। ब्लिंक कैसे कराना है तुम्हारा भाई आगे बताएगा। तो अब की बार ना अलग तरीके से बताऊंगा बल्ब कैसे ब्लिंक कराना है एंड जो म्यूजिक का लिरिक्स है ना इस टाइप का लिरिक्स वीडियो आग लगा के रखा है रील्स पे, ठीक है। आप जरूर देखे होंगे। तो कैसे आपको इस टाइप का लिरिक्स वीडियो ऊपर में लगाना है। और हाँ यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, बहुत लोग करते क्या है मटेरियल वगैरह डाउनलोड करके चले जाते हैं, वीडियो को पूरा देखते नहीं। तो लिरिक्स में एक हम पासवर्ड सेट किया है 4 अंक का, तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो के लास्ट में या बीच में कभी भी हम पासवर्ड बता सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो कभी से एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे ना हम वी एन एप एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा, हर कोई के पास वी एन एप होगा ही, अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो ओपन करने के बाद नीचे शो करें प्लस का ऑप्शन क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी सारी वीडियो को शो करेंगे। एक नॉर्मल से वीडियो को आपको फर्स्ट में सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो मेरे पास खुद का वीडियो नहीं था तो भाई का वीडियो मैं कुछ इस प्रकार से एक सिलेक्ट कर लिया हूँ। वीडियो को आप देख सकते हो नॉर्मल से वीडियो है, ठीक है। वीडियो में एडिटिंग वगैरह लिरिक्स वगैरह कुछ भी नहीं लगाया गया है, ठीक है। कैसे एडिट करना है, कैसे लिरिक्स वगैरह लगाना है आगे आपको पता चल जाएगा। तो प्लीज वीडियो को यहाँ पे पूरा देखना होगा, ठीक है। आपको लास्ट में आ जाना होगा, ब्लैक लेयर को आप डिलीट कर देना। अब आपको फर्स्ट पर आ जाना होगा। सबसे पहले यहाँ पे ना हम जो लाइट ब्लिंक करता है उसको हम इफेक्ट को ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसको ऐड करने के लिए ना मैं बहुत सारा तरीका अलग अलग बताया हूँ, लेकिन गाइस अभी का जो तरीका है ना काफी बेटर है, ठीक है। लाइटिंग इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको लास्ट में आ जाना होगा। यहाँ पे जो प्लस का ऑप्शन होगा इस पर टिक करेंगे, मटेरियल पे टिक करेंगे। आपको यहाँ पे नॉर्मली एक व्हाइट सा बैकग्राउंड इम्पोर्ट कर लेना होगा। नीचे इधर से लाइट करोगे शो का फॉरवर्ड का ऑप्शन, इस लेयर पे क्लिक करिए, इसको कुछ इस प्रकार से एकदम आगे ला देना, ठीक है। आगे लाने के बाद जैसे इसका पकड़ के लें आपको वहां तक कर लेना होगा जहां तक वीडियो है, ठीक है। ब्लैक लेयर को आप डिलीट कर देना इस प्रकार से, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, इस लेयर पे क्लिक करना है, इसको पकड़ के कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे बड़ा कर लेना होगा, ठीक है। बड़ा करने के बाद नीचे यहाँ पे ना शो के मोशन का ऑप्शन, इस पर आपको टिक करना होगा। यहाँ पे शो के लूप का ऑप्शन, इस पर टिक करके ब्लिंक पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। जो टाइमिंग है गाइस अपने वीडियो के हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हो, तो यहाँ पे ना हम थोड़ा सा कम रखेंगे, 0.3 सेकंड रखेंगे। अब आपको करना क्या होगा, इधर स्लाइड करना शो करके यहाँ पे ना ब्लेंडिंग या ओपासिटी का ऑप्शन, इस पर टिक करके इसको क्लियर कुछ इस प्रकार से आप कम कर देना, ठीक है। यहाँ पे देख तो लाइट कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। गाइस सर इस वीडियो में लाइट नहीं है, वरना गाइस सर काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। ब्लिंक जब लाइट होगा तो यहाँ पे लाइट वगैरह रहना चाहिए जब आप वीडियो शूट करना। तो गाइस सर जहाँ जहाँ पे लाइटिंग ब्लिंकिंग इफेक्ट लगाना है गाइस सर आप वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लगा सकते हो। मान लीजिए शुरू में नहीं लगाएंगे, यहाँ तक हम लेयर कर लेते हैं, यहाँ पे कट लगा लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। गाइस सर बीच बीच में हम आपको लगा के दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर भी हटा लेते हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ तक रखेंगे। मान लीजिए इस बीच वाले पार्ट को हटा लेते हैं, अगर गाइस सर यहाँ से वीडियो को प्ले करके दिखाऊँ तो कुछ इस प्रकार से ब्लिंकिंग इफेक्ट आ रहा है, एंड गाइस फिर से कुछ इस प्रकार से ब्लिंकिंग इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो गाइस सर जहाँ जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ वहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे ब्लिंकिंग इफेक्ट डाल सकते हो अपने वीडियो में। तो गाइस सर कुछ इस प्रकार से अपने वीडियो में आप लाइट वाला ब्लिंकिंग इफेक्ट डाल सकते हैं। ये वाला ट्रिक अगर आपको अच्छा ना लगे तो गाइस सर एक वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को देखने के बाद आप अपने वीडियो में अलग टाइप का ब्लिंकिंग इफेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। अब आपको स्टार्टिंग में जाना होगा, अब यहाँ पे हम लिरिक्स को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे शो कर टैप टू ऐड स्टिकर टिक करेंगे, यहाँ पे आपको टिक करना वीडियो एंड फोटो पे टिक करना होगा। तो लिरिक्स वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वीडियो को यहाँ पे आपको पूरा देखना होगा, वीडियो को लास्ट में बता दूंगा कैसे आपको पासवर्ड की मदद से उसको खोलना है, ठीक है। तो इस लेयर को पकड़े कुछ इस प्रकार से आप यहाँ ऊपर में ला देना, ऊपर में लाने का इसको लेयर कुछ इस प्रकार से इधर बढ़ाना, देन अब इस लेयर को कुछ इस प्रकार से एकदम सामने ला देना, अब इधर का लेयर कुछ इस प्रकार से बढ़ा देना, ठीक है। अगर गाइस यार यहाँ पे ना देखोगे ना तो इस लिरिक्स में ना यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा बैकग्राउंड, इसको पकड़ के कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे पहले बड़ा करना होगा। ब्लेंडिंग पे टिक करना शो करके स्क्रीन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके सही पे क्लिक कर देना। इधर से लाइट करोगे ना तो गाइस यार यहीं पर शो करके स्ट्रक्ट ऑडियो का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करके इसका म्यूजिक निकाल लेना होगा सबसे पहले, ठीक है। सो म्यूजिक निकल चुका है, ठीक है। इस लेयर पे क्लिक करना, अब इसको कहाँ पे लगाने वाला आप यहाँ पे लगा सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे ऊपर में हम लगा लेते हैं, तो वीडियो बनकर पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अगर आपको वीडियो को प्ले करके दिखाओ शुरू से ना तो कुछ इस प्रकार से आपका वीडियो लगेगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्लिच वगैरह आपको देखने को मिल रहे होंगे, वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद देखोगे तो वीडियो तबाही लगेगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ना कुछ ज्यादा ही लाइट ब्लिंक कर रहा है, थोड़ा सा इसका ओपासिटी है ना जो कम कर लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा ब्लिंक करेगा तो काफी अच्छा लगेगा। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे लाइटिंग वाला इफेक्ट लगा लेना होगा, एंड लाइक गाइस लिरिक्स वाला वीडियो को लगा लेना होगा। तो गाइस लिरिक्स का जो पासवर्ड है ना गाइस 20-40 पासवर्ड है, ठीक है। तो 20-40 डालने के बाद थोड़ा सा वेट करना होगा, वेट करने के बाद गाइस डाउनलोड का ऑप्शन खुल के आ जाएगा, तो कुछ उस प्रकार से आप लिरिक्स वाले वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो आपका बनकर पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, वीडियो की एक्सपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करके सही पे टिक कर देना होगा, वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्टिंग होना स्टार्ट हो जाए।